सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और बात करेंगे कि ये होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यूज कैसे करते हैं, यूटिलाइजेशंस क्या है इसके। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में कि इंटरेस्ट क्या होता है, व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में अक्सर कोई लोन लेता है, या आपने देखा होगा कि हमारे दोस्त लोग कहते थे या पापा को हम लोग कहते थे, अक्सर सुना होगा राइट, अक्सर आपने सुना होगा। जैसे घर में अक्सर ये गर्ल्स ऐसा करती हैं कि पापा ने कहा कि बेटा मुझे 10 रुपए दे दो, तो उसने कहा ठीक है पापा ले लो, ठीक है। तो फिर आपने कहा काम करेंगे पापा, लेकिन मैं 10 के ना आपसे 50 लूंगी शाम को, करते ही नहीं करते बताओ, चेक कौन कौन करता है, करते हैं ना कि 10 के मैं 50 लूंगी, है ना। या फिर आपने देखा होगा इस प्रकार की बहुत सारी चीजें ऐसे भी होती हैं कि हमने, जैसे आपके पापा या मम्मी कहीं से पैसे लेके आए, तो आपने सुना होगा कि वो 10,000 रुपए लिए थे लेकिन उसको अपना 11,000 देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ना एक टर्म यूज हुई जिसको बोलते हैं हिंदी में ब्याज, ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरेस्ट, कि इसने हमसे कुछ रुपए इंटरेस्ट पे लिए, कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट मुझे देना पड़ा। आपने देखा होगा कि मैंने 10,000 रुपए लिए, मुझे 11,000 देने पड़े, ये भी एक प्रकार का इंटरेस्ट ही हुआ। या फिर मैंने पापा को 10 रुपए दिए और उनसे मैंने 50 रुपए लिए, ये भी एक प्रकार का जो है इंटरेस्ट हुआ। फाइन, अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कब कितना होता है 10 पे 50, ये तो पापा की कैलकुलेशन के हम चला सकते हैं, पर दुनिया में ऐसे नहीं संभव है। सो गाइस, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि आवाज नहीं आ रही है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा बता दें आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, कमेंट कर दें यस और नो, आवाज आ रही है मेरी, थम्स अप कमेंट करके बता दो फटाफट से, जल्दी से कमेंट कर दो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है, ओके थैंक यू। सो आवाज आ रही है, सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें तो मैंने मान लीजिए 100 रुपए किसी को दिए, ठीक है, एक काम करते आप में से किसी का नाम ले लेते हैं, मैंने 100 रुपए उत्कर्ष को दिए, ठीक है, उत्कर्ष कितने रुपए दिए मैंने उत्कर्ष आपको, 100 रुपए दिए। मैंने उत्कर्ष से कहा कि उत्कर्ष मैं आपसे 110 रुपए लूंगा एक साल बाद उत्कर्ष मैं आपसे 110 रुपए लूंगा। तो जब यहां पर हम बात करेंगे, ये जो मेरा अमाउंट है इसको हम कहते हैं मूलधन, जो मैंने दिया, जो मेरा मूल था, ठीक है, जो मैंने दिया वो मेरा मूलधन हुआ, ठीक है, और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और जो मुझे अब मिलने वाला है उसको हम कहते हैं हिंदी में मिश्र धन, इसको हम कहते हैं अमाउंट, ओके ठीक है। अब मैंने दिया तो 100 था और मुझे मिला कितना, 110, मतलब मुझे 10 रुपए ज्यादा मिला, कितने रुपए ज्यादा मिला, 10 रुपए। तो इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, या इसी को कहेंगे हम ब्याज, जो मुझे 10 रुपए मिला, अमाउंट जो मुझे 110 मिला, प्रिंसिपल जो मैंने 100 रुपए उनको दिया, ठीक है। अब ब्याज की बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति या व्यापारी किसी अन्य व्यक्ति या बैंक से कर्ज लेता है तो एक निश्चित समय के बाद उसको जो कर्ज लिया वो धन के साथ साथ कुछ और धन उसको देना पड़ता है बैंक को या किसी व्यक्ति को, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा जो दिया, ये जो एक्स्ट्रा पैसा आपने जो दिया, इसी को हम इंटरेस्ट या ब्याज कहते हैं। ये क्लियर है मेरी बात, सभी को क्लियर है, ठीक है, कि जो पैसा मैंने किसी को दिया और जब वो मुझे वापस करेगा, तो जो पैसा मैंने दिया था और उसके अलावा जो मुझे एक्स्ट्रा वो दे रहा है, वो जो एक्स्ट्रा मेरे पास जो आ रहा है, उसी को मैं इंटरेस्ट कहता हूं, उसी को मैं
ब्याज कहता हूं। ठीक है, अब ब्याज के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे भी आप लोगों से ब्याज लगा के पैसा ले सकते हैं, जिसको हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। दूसरा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो ये मैंने दो प्रकार के हमारे इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब दिख रहा है पूरा डन फाइन ओके। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे, मैं आपको प्रिंसिपल दे रहा हूं और आपको मैं अमाउंट दे रहा हूं, तो आप मुझे इंटरेस्ट निकाल के दिखाएंगे, निकाल दोगे। मान लीजिए प्रिंसिपल आपका 100 है और अमाउंट आपका 110 है, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो होता है आपका ए माइनस पी। क्या होता है बेटा? ए माइनस पी। तो ए माइनस पी करेंगे तो इंटरेस्ट आ गया मेरा 10। ये बात समझ में आ गई। एक और देखते हैं, जहां पर आपको पी दे रखा है 1200 रुपए और ए दे रखा है आपको 1500 रुपए, तो इसका आप आई निकालिए, मतलब इंटरेस्ट निकालिए। चलिए शुरू करो बेटा, शुरू करो बताना। निकालना शुरू करिए। ये आपको दे रखा है 1800 और ये दे रखा है आपको 2000। ठीक है, 1800 दे रखा है, 2000 दे रखा है, ये आपको दे रखा है 30000 और ये आपको दे रखा है 20000। 20000 में थोड़ा सा भी अपन प्लस में चलते हैं, 37000 दे रखा है। कलर चेंज करके देखिए यार, कलर देखेगा, यहाँ आपको दे रखा है 55000 और यहाँ आपको दे रखा है 67000। निकालिए, जल्दी निकालिए, सबके आंसर निकालिए। तो यहां से आपने ये सीखा कि अगर मुझे प्रिंसिपल दिया हो और मुझे अमाउंट पता हो तो मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इसका आएगा आपका 300, सही ना? इसका आएगा 200, इसका आएगा 7000, इसका आएगा 12000, ऐसा कुछ आएगा ना? ठीक है ना? तो ये कब किया हमने, कब किया? जब मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे गिवन मतलब दिया है क्या क्या दिया मुझे? मुझे पहले दिया हुआ है आपका मूलधन दिया हो, ठीक है, पहले कंडीशन में, और दूसरा आपका मिश्र धन दिया हो, तो उस कंडीशन में मैं जो है ब्याज निकाल सकता हूं ना। कैसे निकालता हूं? ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, ये मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और यहां से मैं ब्याज निकाल लूंगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं है? आगे चलो, चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको, कि अगर आपको
मिश्रधन दिया हो और मूलधन दिया हो तो आप लोग ब्याज इस फॉर्मूले से निकालेंगे। हमेशा हम मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, ठीक है, मिश्रधन में से मूलधन ही घटाएंगे। आप मूलधन में से मिश्रधन नहीं घटा देना, नहीं तो माइनस में आंसर आ जाएंगे, ठीक है जी। चलिए एक सिस्टम और देख लेते हैं। अभी हमें यहां क्या क्या दिया हुआ था, हमको यहां दिया हुआ था मूलधन और मिश्रधन, ठीक है, और हमने निकाला क्या, हमने निकाला ब्याज। अगली तरफ चलते, अब हमें दिया होगा, देख लीजिए, अब हमें दिया हुआ है मूलधन एंड ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, और मुझसे बोला गया इस बार मिश्रधन बताओ भाई। मूलधन को हम कहते हैं प्रिंसिपल मतलब पी, ब्याज को कहते हैं हम आई मतलब इंटरेस्ट, मिश्रधन को कहते हैं हम ए मतलब अमाउंट, ठीक है। अगर ये दो चीजें आपको दी है तो आप मिश्रधन बड़े आसानी से निकाल लें। कैसे निकालें, मूलधन आपको दिया हुआ मान लीजिए 2000 रुपए और आपको कहा गया कि ब्याज जो है वो 200 रुपए आ रही है, ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा मिश्रधन कितना होगा, तो इस कंडीशन में आप इन दोनों को जोड़ देंगे और आप कहेंगे कि ये 2200 होगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए मान लीजिए 1500 आपको मूलधन दिया हुआ है और 700 आपको ब्याज दी गई है, तो आप मुझे बताइए कि आपका मिश्रधन यानी कि अमाउंट क्या होगा, अमाउंट मुझे बताएं कि क्या है, जल्दी से। कहां बोर्ड से बाहर जा रहा है भैया, मोबाइल को ऐसे कर लो ना, थोड़ा मोबाइल ऐसे पकड़े हो ना, ऐसे कर लो फिर नहीं जाएगा मोबाइल से बाहर। अब जा रहा है क्या मोबाइल से बाहर, अब तो नहीं जा रहा प्रेरणा, ठीक है चलो ये निकाल दिया हुआ सभी ने, चलो एक और कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2300 और ब्याज आपको लेना है 225 रुपए, तो कितना होगा, मूलधन दे रखा है 3220, ब्याज दे रखा है 1220, तो क्या होगा निकालिए। तो यहां से आपका आ जाएगा 1500 और 700 आ जाएगा 2200, ठीक है, 225 और 2300 आ जाएगा आपका 2525, सही है भाई, 3220 और 1220 आपका आ जाएगा 4440, सही है, देखो बेटा, ओके। तो अब देखते हैं कि हमने यहां क्या किया, यहां पे मुझे दिया था क्या क्या दिया हुआ था, क्या क्या दिया है मतलब दिया है का मतलब बोलते हैं केवल, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, मूलधन था मेरे पास सबसे पहले तो, और दूसरा मेरे पास थी ब्याज, तीसरा मतलब मैंने यहां से जो है मिश्रधन जो है निकाल लिया, तो उसका फॉर्मूला क्या था, मिश्रधन बराबर पी प्लस आई, क्लियर है, पी प्लस आई, चेक करो एक बार सही है, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा सभी को, प्रांजल सिंह उत्कर्ष तिवारी निखिल कैसे हो भैया, ठीक हो,
आज वो नजर नहीं आ रहा है दूसरा वाला। चलिए आगे चलते हैं, है ना। अगला केस देखते हैं कि जहां पर आपको मूलधन दिया हो और आपको ब्याज दिया हो, सॉरी मूलधन दिया हो और आपको मिश्रधन दिया हो। पहले में क्या किया था एक बार नहीं देखते हैं, हमको मूलधन और ब्याज दिया था, मिश्रधन हमने निकाला था, उससे पहले में हमें दिया था, ठीक है ओके ये हो गया सर। तो आपने जो मेनली एक फॉर्मूला याद करना है वो ये फॉर्मूला याद करना है बच्चों कि जो मिश्रधन होता है क्या बेटा, जो मिश्रधन होता है वो आपका मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है जी, मूलधन प्लस ब्याज होता है। इसी को इंग्लिश में देखें तो जो आपका अमाउंट होता है वो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। अब प्रिंसिपल तो मुझे पता होता है कि सर ऐसे निकालते हैं, अमाउंट मुझे मतलब मूलधन मुझे पता होता है, लेकिन इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट के फॉर्मूला, जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, साधारण ब्याज, इसी को हम एस आई बी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है इसको सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी ओके जी। तो ये फॉर्मूला इसका जो होता है वो होता है एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं पी क्या होता है, पी होता है आपका प्रिंसिपल जो हम सुनते चले आ रहे हैं, आर होता है आपका रेट क्योंकि परसेंटेज में होता है, इस पर क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा भी, टी होता है आपका टाइम और एसआई होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या आपको ये चारों जो टर्म्स है वो समझ में आ चुकी है बच्चों, चाहो तो एक बार नोट डाउन कर लो, चाहो तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगर ये आपको हो गया है तो इसके हिसाब से मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अब इसमें तीन टर्म हमारे मिलके बाहर आए, एक हमारा आया मूलधन, दूसरा हमारा आया दर, तीसरा हमारा आया समय, चौथा जो हमारा आया वो आया हमारा साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, पांचवा जो हमारा आया वो है मिश्रधन, ठीक है। अब इन पांचों टर्म्स के बारे में हम धीरे धीरे जो है बात, मूलधन या प्रिंसिपल जिसको पी लिखते हैं, दर जिसको आर लिखते हैं, समय जिसको टी लिखते हैं, साधारण ब्याज जिसको एस आई लिखते हैं, मिश्रधन जिसको ए यानी कि अमाउंट लिखते हैं। अब हम इन पांचों के बारे में
डिस्कस करेंगे कि ये पांच है कौन, कहां से आए हैं, कहां को जाएंगे। ठीक है, कहां से आए हैं, कहां को जाएंगे। तो अब इन पांचों के बारे में बात कर लेते हैं वन टू वन। सॉरी, ओके, रिफ्लेक्शन क्रिएट हो रही है। इधर मूलधन लिखा हुआ है कॉर्नर में, परेशान नहीं होना, दिख रही है ना मूलधन लिखा हुआ है, ये दिख रहा सभी को। चलिए, मूलधन वो पैसा होता है, अभी भी बेटे हाफ दिख रहा है क्या, किस किस को हाफ दिख रहा है, फुल दिख रहा है, थोड़ा बताइए। नैन कमेंट करके बताओ बेटा, हाफ दिख रहा है फुल दिख रहा है। मैन तो लगता है टिकटॉक वाली लाइट लगा के बैठता है क्यों। मेरे साथ चमकदार तो नैन दिखता है। लगता है क्लास के बाद नैन से पूछना पड़ेगा कि नैन कौन सी लाइट लगाते हो। हाफ दिख रहा है बच्चों, सबको हाफ दिख रहा है क्या। चलिए अब बात करते हैं मूलधन या प्रिंसिपल। तो ये वो अमाउंट होता है जो मैंने किसी को दिया या मैंने किसी से लिया। ठीक है, जिस अमाउंट के साथ गेम खेला जा रहा है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल। दूसरा होता है दर। दर होती है कि मैं इतने परसेंट ब्याज पे दूंगा तुमको, 10% पे दूंगा, 8% पे दूंगा, 9% पे दूंगा, 7% पे दूंगा। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है गोल्ड लोन लें 7.58% पे, है ना, होम लोन लें 8.75% पे, देखा कि नहीं टीवी में ऐड आता है, है ना, ये लोन लें वो लोन लें इतने इंटरेस्ट पे। तो वो जो इंटरेस्ट है, जो रेट बता रहा है एक्चुअली में, वो जो परसेंटेज आता है ना, वो यहाँ का नंबर बताता है। ये भैया मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं बात कर रहा हूँ राम, आरबीस राम, मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनो। समय, तो कितने समय के लिए उसने लिया, एक साल के लिए लिया, दो साल के लिए, तीन साल के लिए लिया, चार साल के लिए, छह साल के लिए, दस साल के लिए, ओके। फिर आता है टी, यस टी मतलब समय, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वो हुआ कि जब मैंने कोई पैसा आपसे लिया, इतने परसेंटेज पे लिया, तो इतने समय बाद कितना ब्याज हुआ। ठीक है, और उसके बाद ब्याज के बाद मुझे उसको कितना पैसा वापस करना पड़ेगा। तो जो मुझे वापस करना पड़ेगा, तो जो मैंने लिया मुझे वो भी देना पड़ेगा, और जो ब्याज मेरा बना मुझे वो भी देना पड़ेगा। मतलब वो दोनों को मिला के जब मैं जो पैसा देता हूं उसको मैं कहता हूं, क्योंकि मैंने मिला दिया ना, मिश्र कर दिया, क्या कर दिया मैंने, मिश्र कर दिया, मिला दिया, तो उसी को कहते हैं मिश्र। ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर है बच्चों, पहला फॉर्मूला क्लियर है सभी को, पी इंटू आर इंटू टी इंटू 100। ए जो होता है वो आपका होता है पी प्लस एस आई, जो ब्याज बना वो, और जितना पैसा पहले लिया था वो, दोनों का जो जोड़ करके जो मैं उसको वापस करने जा रहा हूं वो मेरा होता है मिश्र, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब थोड़ा मुझे बताइए ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बोलिए, आ रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, ये जो आपका यहां से जो आप निकाल रहे हैं वो आपका निकल रहा है एसआई। ठीक है, मतलब एसआई निकालने के लिए आपके पास पी आर पी होना चाहिए बस, तो आप ऐसे ही निकाल दोगे। आप बोलेंगे यस सर, पी आर टी अगर मेरे पास है तो मैं ऐसा ही आराम से निकाल दू। तो बेटा अगर आपने पी आर टी दिया हुआ है तो ऐसा ही आपने निकाल दिया, और ऐसा ही अगर आपको आ गया तो क्या आप
अमाउंट नहीं निकाल पाओगे। अमाउंट क्या होता है? जो मेरा ब्याज था वो, कितना ब्याज मुझे देना है वो, और कितना पैसे उन्होंने मुझसे लिया, दोनों का जोड़ जो होता है वही तो मेरा अमाउंट होता है, इसको मैं कहता हूं। अब अभी मैं जो पूरा बक 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 कर रहा हूं उसको थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ देखते हैं, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन यहां से देख लेगा आपको, अभी यहां देखिएगा जहां मैंने क्यों लिखा हुआ है, इसके आगे इतना ही नीचे लिखूंगा। नहीं दिख रहा, सच में नहीं दिख रहा आज, कोई नहीं, ठीक है, क्या करें फिर, नहीं दिख रहा। चलिए, क्वेश्चन ये है कि 1000 रुपए पांच परसेंट वार्षिक दर से, ठीक है, 1000 रुपए 5% वार्षिक दर से 10 साल में कितना ब्याज होगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखिए पहचानेंगे कैसे इस क्वेश्चन का, ठीक है? 1000 रुपए की बात चल रही है ना, किसकी बात चल रही है बेटा, 1000 की, तो आप सीधा समझ लेना कि ये मेरा पी है, ठीक है? जहां परसेंटेज लगा होगा समझ जाइए कि आर है, जहां साल लिखा होगा, वर्ष लिखा होगा, तो समझ जाइए टी है। कितना ब्याज बोला है मतलब आपको जो है एस आई निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन आपको? तो क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट वाला बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है, ठीक है? तो जो एस आई होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, पी कितना मेरा 1000, आर कितना मेरा 5, टी कितना 10 अपॉन 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल की, 10 × 50 = 500, तो जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया बेटा वो मेरा आ गया 500, आ गया। आई बात समझ में कि नहीं आई, सभी को आ गई? क्या हुआ जयेश, तू आके निकाल रहे हो, डराने की ख्वाहिश कर रहे हो क्या? आप डराओ तो डर जाऊंगा है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सभी को समझ में आया, समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, अब इस बार क्वेश्चन है 500 रुपए का 2% वार्षिक दर से चार्ज, देखो साल भी आ सकता है और वर्ष भी आ सकता है, ठीक है? तो आप समझ जाएंगे, टाइम दे, 4 साल में साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। 500 रुपए दे रखा है ना, मतलब ये मेरा पी हो गया, 2% दे रखा है मतलब मेरा आर हो गया, 4 साल दे रखा है मतलब मेरा टी हो गया, साधारण ब्याज या ब्याज मुझे पूछा गया है तो वो मेरा एस आई हो गया, क्या हो गया? एस आई। ऐसा ही का फॉर्मूला क्या है मेरा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन, पी है मेरा 500, आर है मेरा 2, टी है मेरा 4 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 × 10 = 40 रुपए, मतलब मुझे जो ब्याज देना पड़ेगा वो मेरा कितना होगा बेटा, 40 रुपए। समझ में आया सभी को? नोट डाउन कर लो बेटा क्वेश्चन।
नोट डाउन कर लीजिए। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको और करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन है आपका ₹1500 का ओके तनुज, जो भी पूछना है ना कोई बात नहीं बेटा, जो हमारी डाउट क्लास होती है ना बच्चे, उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अभी एक बार प्रैक्टिस कर लें कंप्लीट, ठीक है? ओके ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन है ₹1500 का 4 वर्ष का कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 120 रुपए ब्याज होगा? मतलब कहीं ना कहीं अगर इसको ध्यान से आप देखें तो ₹1500 का पूछा मैंने तो फी दे दिया, 4 वर्ष बोला है तो आपको फी दे दिया, कितने परसेंट मतलब आप आपसे पूछ लिया ₹120 जो है वो आपके ब्याज हो गए, मतलब ये आपका हो गया ऐसा ही, ठीक है बच्चे? इस बार आपको जो है इन्होंने पूछ लिया कि आपका आर क्या हो, सिंपल फॉर्मूला जो मुझे पता है मुझे तो भैया बस यही पता है, पी इंटू R into T upon right. आप बोलेंगे सर हमारे सर ने तो भैया एक ही फॉर्मूला पढ़ाया, तो ठीक है भाई उसी से चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। ऐसा ही मुझे कितना दुआ है 120, T कितना दुआ है 1500, R मुझे निकालना है, T मुझे दिया हुआ है 4 और 100, ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमने सिंपलीफिकेशन में सीखा था, इधर का उधर उधर का उधर करेंगे ना, सबसे पहले काम को काट लो, ये काट दिया आपने, ठीक है? तो यहां से आपको 120 अपॉन में 15 × 4 इधर जाएगा, तो यहां से आपका आएगा आर, ठीक है? 15 × 60 = 120, तो जो आर आएगा वो आएगा आपका 2%। कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर निकाला है, तो इस प्रकार से बस हमें इधर का उधर करना होता है, ठीक है? ये फॉर्मूला 4 बेसिक चीजों पर बेस्ड है, 4 में से कोई भी 3 आपको दी हुई होगी और 1 आपको पूछ लेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? 3 आपको दी हुई होंगी और 1 आपसे जो है पूछ लेगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि इसमें बस क्या होगा, आपको लेफ्ट राइट इस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी आज मैं आपको इसी क्वेश्चन बेस्ड इसी टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन पेपर भी आपको बना के दे दूंगा, टेस्ट पेपर, तो वो आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है? बाकी जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है मेनली इसी पे बेस्ड है और ये ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट है, पर हम एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है? इसमें आपको दिया हुआ है
1200 रुपए का 4% वार्षिक दर से 10 साल में कितना रुपए होगा। अब यहां देखा जाए तो इसने पूछ लिया कितना रुपया होगा, मतलब इसने पूछ लिया ब्याज, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे करके। मैंने आपको क्या सिखाया, रुपए दिया हुआ है मतलब ये आपको पी दे रखा है, परसेंट दे रखा है मतलब आर, या साल वर्ष दे रखा है वो टी, यहां से आपको निकालना है एस आई बराबर क्या होता है ओके। तो ये आपका जो आया 480 रुपए वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या है बेटा वो है सिंपल इंटरेस्ट, कि जब कोई 1200 रुपए कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति से 4% वार्षिक दर की रेट से लेता है और उसको 10 साल बाद जो ब्याज देना होगा वो 480 रुपए होगा। ये तो ब्याज हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं एक अलग क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारी चीजें भी क्लियर होंगी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा फैमिलियर करते हैं क्वेश्चन। अब इसमें क्या करते हैं प्रेरणा ने, ठीक है, प्रेरणा ने 1500 रुपए, ठीक है भैया, प्रेरणा ने 1500 रुपए मानवी को उधार दिए। किसको दिए बेटा, मानवी को, मानवी को 4% वार्षिक दर से उधार दिए। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उधार नहीं दिख रहा, दिए दिए नहीं दिख रहा, चलो दिए दिखा देते हैं, अब दिख रहा दिए, ठीक है। तो प्रेरणा ने 1500 रुपए मानवी को 4% वार्षिक दर से उधार दिए। अब आ गया क्वेश्चन, मानवी प्रेरणा को 5 वर्ष बाद कितना रुपए वापस करेगी, कितना रुपए वापस करेगी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको बन के आ जाते हैं जो अपन ने देखे, उसी पैसे मैंने थोड़ा सा इसको मतलब क्या किया, आप लोगों को लेके साथ में बना दिया। जिसको समझ में आ रहा है फटाफट से कर दो, इसको जल्दी से कर दो करो। प्रेरणा ने 1500 रुपए मानवी को 4% वार्षिक दर से उधार दिए, मानवी प्रेरणा को 5 वर्ष बाद कितना रुपए वापस करेगी। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि प्रेरणा ने मानवी को 1500 दिए थे, पर कुछ लोग क्या करेंगे मूलधन को भूल जाएंगे और सिर्फ प्रेरणा को मानवी से बोले काम करो ब्याज ब्याज दे दो, मूलधन भूल जाओ। कैसा होता है, वापस जब करेंगे तो दोनों लेंगे ना, मिश्रधन वापस किया जाएगा कि सिर्फ ब्याज की जाएगी, क्या वापस किया जाएगा बताइए, ब्याज ही वापस की जाएगी और जो पैसा लिया था वो भी वापस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं। हाय ना, चलिए देखते, ये रहा मेरा पी, ये रहा मेरा आर, ये रहा मेरा टी, और मुझसे जो पूछा है ना भाई साहब, वो एक्चुअली में ए पूछा है, ऐसा ही नहीं पूछा,
क्या पूछा है मुझे? ए पूछा है, देखो उसने ये पूछा कि मानवीय प्रेरणा को 5 वर्ष बाद कितना पैसा वापस करेगी? क्या सिर्फ ब्याज ब्याज वापस करेगी? नहीं, वो मूलधन भी तो वापस करेगी उसका, सिर्फ ब्याज वापस करेगी। तो कुछ होशियार बच्चों ने से मूलधन निकाल के बोला हो गया आंसर, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा जो मेरा होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जो मेरा होगा 1500 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100, और ये मेरा है 1560 60 पंजे 30 ₹300 आ गए। ठीक है, और अब जो मेरा मिश्रण जो आएगा, बच्चों जो अक्सर गलती होती है वो यही है कि इसमें हम P प्लस SI करेंगे, जो मैंने सिखाया था। P कितना है मेरा 1500, SI कितना है मेरा 300, मतलब अब जो मान भी प्रेरणा जो वापस करेगी वो टोटल ₹1800 वापस करेगी। ये गलती होती है, समझ में आई मिस्टेक कहां होती है बच्चों? कैसे ब्याज वापस करेगी, पैसा नहीं वापस करेगी, क्यों भाई? तो ऐसे लगता है तुमको कि अगली बार प्रेरणा मानवी को पैसा देगी, बोलेगी बात अब नहीं देंगे तेरे को, तू हमारे ब्याज में जितना दिया था वो सब गायब, तुम 300 दे रही हो 1500 का, क्यों मानवी कोई देगा ऐसे पैसे? नहीं देगा ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चे जो आप लोगों ने ट्राई किए, ठीक है, कोशिश किए, और इसमें एक और छोटा सा पैटर्न है जो मैं आपको बता देता हूं। एक और पैटर्न मुझे इसमें लग रहा है कि मुझे आपको बता देना चाहिए, चलिए उस पैटर्न को अपन कल डिस्कस करेंगे। बस आज जो मैंने पढ़ाया मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बस इतना ही रिवीजन आपने करना है। मैंने जो आपने फॉर्मूला जो याद करना है वो आपको बताइए, हमने सबसे पहले पढ़ा ब्याज क्या होता है, ब्याज के बाद हमने ये सीखा कि भाई मिश्रधन नाम की भी कोई चीज होती है ना, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने देखा कि जो ब्याज होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सिंपल इंटरेस्ट एक कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में हमने अभी सिर्फ अपने सिंपल इंटरेस्ट को ही देखा है, जिसमें मैंने ये देखा यहाँ पर कि अगर मुझे प्रिंसिपल दिया हो और मुझे अमाउंट दिया हो, मतलब मुझे मूलधन दिया हो और मुझे मिश्रण दिया हो, तो मैंने ब्याज निकालना सीखा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए मुझे मूलधन दिया हो तो मैंने मिश्रण निकालना सीखा, ठीक है। उसके बाद जो बेस फॉर्मूला था वो मैंने सीखा कि जो मिश्रण होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब इसमें कोई भी इधर का उधर करने को पूछ ले, आप बस मिश्रण याद रखिए कि मिश्रण बराबर मूलधन प्लस ब्याज। उसके बाद आपको मैंने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज का फॉर्मूला होता है वो होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अब ये चार चीज आपके सामने है, चार में से कोई भी तीन दे देगा चौथी पूछ लेगा, कोई भी तीन दे देगा चौथी पूछ लेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने ये क्वेश्चन देखे, चार और पांचों के बारे में सीखा, ठीक है ना, पांचों के बारे में सीखा कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, और साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट जो भी है वो सब के बारे में सीखा। फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया जिसमें मुझे मूलधन दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, और मैंने यहाँ साधारण ब्याज निकाला। उसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन मैंने और देखा, सेम कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन पे सेम पैटर्न पे। फिर मैंने एक क्वेश्चन और देखा जहां पर बस ये कन्वर्ट कर दिया गया कि मेरे पास यहाँ पर मूलधन था, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर टाइम था, मेरे पास यहाँ पर ब्याज भी थी, पर मेरे पास यहाँ पे रेट नहीं था कि रेट क्या होगी, दर क्या होगी, तो वो मैंने यहाँ पे निकाला। अब ये क्वेश्चन हमने ये और किया कि यहाँ पर हमने ये देखा कि सेम कॉन्सेप्ट, जहां पर मूलधन था हमारे पास, समय था और दर थी, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था वो हमने सीखा। लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा वो बेहद ही शानदार था, इस प्रकार क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जहां पर मेरे पास मूलधन था, रेट थी, ठीक है, और मेरे पास टाइम था और मुझे अमाउंट पूछ लिया था। गलती क्या करते हैं बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में कि वो जनरली सिंपल इंटरेस्ट को ही आंसर करके आ जाती है, ठीक है। तो उसने पूरा पूछा था आपसे कि वो इतने समय बाद कितना पैसा वापस करेगी, इसका मतलब ये है कि मुझे ब्याज
और उसका जो पैसा मैंने लिया था मुझे वो दोनों उसके वापस करने होंगे, राइट। तो इस पूरी क्लास को ओवरऑल अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो बस आपके लिए जो मेन फॉर्मूले हैं वो ये है कि SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जहां पर आप अच्छे से जानते हैं कि SI क्या है, P क्या है, R क्या है, T क्या है, ठीक है। और A बराबर जो होता है वो होता है P प्लस SI, SI हो सकता है या आई भी हो सकता है, पर ये अभी हमने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है इसलिए मैंने यहाँ पे SI लिखा है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। अभी ऐसा ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम जो ब्याज निकाल रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट से निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ब्याज निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पी प्लस सीआई, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट से निकाल रहे हैं इसलिए हम फॉर्मूले में क्या लिख रहे हैं बेटा, पी प्लस SI, या इसको हम सिंपल सा ये भी लिख सकते हैं कि ए बराबर पी प्लस आई। अब वो आई कैसे भी आया हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट से आया हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट से आया हो। तो मेनली बस दो फॉर्मूले जो आपके लिए हैं आज की क्लास के लिए, बेहद जरूरी बेहद काम के फॉर्मूले बेटा, हर साल क्वेश्चन इस पे पूछे जाता है, हर साल मतलब इस मतलब हर साल पूछा गया क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। ये दो फॉर्मूले, बस ये दो फॉर्मूले अगर आपने कर लिए तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कंप्लीट, ठीक है। बट ये है कि कल हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे, ओके, और उसके बाद कल इस चैप्टर को हम अलविदा करेंगे। तो ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और जिसको इस चैप्टर ना समझ में आया हो तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, तो उसको इस चैप्टर की लिंक अलग से दे दूंगा, वहां पे फिर से इस चैप्टर को सुन सकता है, ठीक है जी। और बाकी अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा, क्योंकि आपके पास यहां से आज के दिन से एग्जैक्ट 1 month 8 days है, 1 महीना 8 दिन रह गया है, तो अच्छे से तैयारी करो। बाकी जो सब्जेक्ट जो चैप्टर ना समझ में आए उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, और खासकर अभी जो मैं बोल रहा हूँ उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनके पास एज है, मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 से पहले है, ठीक है। तो जो बच्चे 10 साल से लेके 12 साल के बीच के हैं उन सभी बच्चों के विशेष सूचना ये है कि वो बच्चे बिना टाइम वेस्ट किए सैनिक का बैच शुरू कर ले, वो शुरू हो चुका है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो वो डिस्कस कर ले, आप नंबर जो चल रहे हैं उन पर कॉन्टेक्ट कर ले, मैम के नंबर होगा कहीं सर का नंबर होगा उनसे कॉन्टेक्ट करके पता कर ले और अपना समय खराब ना करें, नवोदय तो आपको देना ही है वो आप दे, ठीक है। अगर आपकी उम्र इस क्राइटेरिया में है या जिन बच्चों ने सैनिक दिया है और उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप जो काउंसलिंग कर रहे हो काउंसलिंग करते रहिए, तैयारी करते रहिए, तैयारी में कौन सा लॉस है, ठीक है। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जो जनवरी में एग्जाम होने जा रहा है वो आपके लिए बेहद काम कारगर सिद्ध हो सकता है। तो जिन बच्चों को सैनिक और मिलिट्री का अगर चांस उनके पास है तो मैं उनके पेरेंट्स से और बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर एक बार और ट्राई करें, क्योंकि जिंदगी में ये मौका फिर नहीं मिलेगा, ओके जी। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।